नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पार्ट 5 लिंग। तो आओ दोहराएं पढ़ते हैं कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान वाक्य में आए क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। कुछ शब्द सदा पुरलिंग होते हैं, जैसे मच्छर और कौआ। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली मछली। तो नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो लिंग बदलना है, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, छात्र का छात्रा, बालक का बालिका, नायक का नायिका, मामा का मामी का मामा, पुत्री का पुत्र, कवित्री का कवि, श्रीमती का श्रीमान। इसके बाद है, उदाहरण के अनुसार लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, गायक गीत गा रहा है, तो आपको गायक का लिंग बदलना है। तो गायक का क्या हो गया, गायिका। तो इसी क्रिया भी बदल जाएगी, गायिका गीत गा रही है। इसी प्रकार से अब आपको ये करनी है एक्सरसाइज, भिखारी को देखकर सेठ को दया आ गई। अब इसमें लिंग बदलेंगे तो भिखारी का क्या हो जाएगा, भिखारिन। तो भिखारिन को देखकर सेठ की जगह सेठानी, भिखारिन को देखकर सेठानी को दया आ गई। नेक्स्ट है, इसमें अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापिका की जगह क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। माली पौधे सींच रहा है, माली की जगह मालिन पौधे सींच रही है। नीचे लिखे शब्दों के लिंग लिखना है आपको, लिंग लिखिए। तो सम्राट क्या है, पुरलिंग। ऐसी विदुषी स्त्रीलिंग, नाना पुरलिंग, गाय स्त्रीलिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, सेवक पुरलिंग। इसके बाद है, लिंग संबंधी गलती ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। मुर्गी दाना चुग रहा है, तो मुर्गी दाना चुग रहा है होगा या मुर्गी दाना चुग रही है, तो मुर्गी दाना चुग रही है। ऐसी कौआ उड़ गई, तो कौआ उड़ गया। लेखिका पत्र लिख रहा है, तो लेखिका की जगह क्या हो जाएगा, लेखक पत्र लिख रहा है। इसके बाद गठरी में से स्त्रीलिंग और पुरलिंग शब्द चुनकर सही थैले में रखिए। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, गिलास, पेड़, रात, दूल्हा, गेंद, कुर्सी, हाथी, बेटा, गुड़िया, दीवार। अब आपको इसमें से पहचानने हैं और स्त्रीलिंग और पुरलिंग में लिखना है। जब भी हमको कंफ्यूजन हो कि कौन स्त्रीलिंग में कौन पुरलिंग में, तो हम क्या करते हैं, क्रिया शब्दों से पहचान करते हैं। अब जैसे यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ के लिए हम एक सेंटेंस बनाएंगे, पेड़ बहुत बड़ा है। हम ऐसे तो नहीं बोलते पेड़ बहुत बड़ी है, नहीं बोलते ना। तो पेड़ किस में जाएगा, पुरलिंग में। पेड़ किस में लिख देंगे हम, पुरलिंग में। गिलास टूट गया, तो गिलास भी किस में आ जाएगा, पुरलिंग में। गेंद उड़ गई, गेंद उड़ गई, या गेंद बहुत तेज ऊपर उड़ गई, ऐसी बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते गेंद बहुत तेज ऊपर उड़ गया, ये तो इसलिए गेंद क्या है, स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी टूट गया तो नहीं होता, तो कुर्सी किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। हाथी बहुत विशाल है, हाथी तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हाथी का क्या होता है, हथनी, तो हाथी किस में जाएगा, पुरलिंग में। दूल्हा भी पुरलिंग में, बेटा भी पुरलिंग में। अब आती है बात दीवार की, दीवार का कैसे पता लगाएं। अब दीवार पे भी लिख सकते हैं,
दीवार में छेद हो रहे हैं, या दीवार में सीलन आ गई है, या दीवार में पेंट खराब, दीवार में सीलन आ गई है, तो ये क्या है? गई है ना, गया तो नहीं है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। ऐसी गुड़िया स्त्रीलिंग में। तो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, लिंग बदलिए, ये आपको अच्छे से इसकी एक्सरसाइज याद करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वचन। तो अभी आपका होमवर्क यही है कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अच्छे से याद करें।